ये देखिए दिव्या ने ये बनाया है दिया, जो मिट्टी का दिया होता है उसको कलर करके देखिए कितना खूबसूरत बनाया है। किस तरह बनाया है बेटा आपने बताइए, वाटर कलर से। वाटर कलर से किस तरह से किया है? पहले इसको एक दिया को ऊपर कीजिए, एक दिया को ऊपर कीजिए, बताइए इसके बारे में, चारों तरफ से दिखाइए इसको, कैसे किया है आपने, खुद से किया है? ऊपर कीजिए ना, ऊपर कीजिए तब तो दिखेगा, सीधा कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी सिंह ऑफिशियल ब्लॉग। आप सभी को छठ पूजा और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि इस दीपावली आप लोग मार्केट में जो भी दिए आते हैं, जो कि बहुत सारी कंपनियों के थ्रू बन के आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, उन दियों को कम इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें। इससे दो फायदे हैं, एक कुम्हार जो मिट्टी के दिए, मिट्टी के कई सारे बर्तन मिट्टी के बनाता है, इस उम्मीद के साथ बनाता है कि मेरे घर के भी दिए बर्तन जो मिट्टी के उसने बनाए हैं वो बिकेंगे, तो वो भी अपनी दीपावली अपने परिवार अपने बच्चों के साथ बढ़िया से मना पाएगा। तो एक उनके लिए भी, उनकी फीलिंग को समझते हुए आप इन मिट्टी के दियों का भी खुद से, इस मिट्टी के दिए को खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मेरी बेटी ने बनाया है, ये मिट्टी के दिए हैं, ये देख रहे होंगे आप, उसने कलर कर कर काफ़ी मेहनत किया है इस पे, और देखिए मेहनत करके इस तरह से इस कलर को सजाया है, इस मिट्टी के दिए को सजाया है। ये देखिए एक नहीं चार पांच कलर उसने करके सजाया है। ये पहला दिया हो गया, ये दूसरा दिया हो गया, ये देखिए ये वही मिट्टी के दिए हैं जो सादा आते हैं प्लेन, लेकिन उसपे मेरी जो बेटी है इसने ये कलाकारी किया है। और देखिए कितना खूबसूरत ये दिया लग रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये दिया। ये देखिए तीसरा नंबर दिया, ये देखिए, ये देखिए तीन कलर तीन डिजाइन, ये देखिए चौथा नंबर दिया, ये देखिए ये देखिए पांचवा नंबर दिया, पांचवा डिजाइन, कितना मेहनत किया है इस बच्ची ने, और उसके मेहनत रंग लानी चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग मिट्टी के दिए का ज्यादातर इस्तेमाल करें, इस दिए में काफी देर तक आपका दिया जलता रहेगा, माँ लक्ष्मी मिट्टी की खुशबू से भी आपके घर आती है। ये बिल्कुल शुद्ध चीज़ होता है, आप सभी को मालूम होगा कि मिट्टी से शुद्ध कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इसी मिट्टी से हम भोजन की जितनी भी सामग्री है, दाल चावल आटा गेहूँ आलू प्याज सब चीज़ इस मिट्टी से उपजता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस दीपावली मिट्टी के दिए का ही इस्तेमाल करें और उसको खुद से सजाएं। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ किस तरह से बनाया गया है। मिट्टी का दिया लाल होता है, इस दिए के अंदर वाइट कलर किया गया है, उसके बाद इसके अंदर फूल बनाया गया है रेड कलर से, दिए के चारों तरफ रेड 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 रेड
हल्का हल्का बूंद बूंद कलर लगाया गया अंदर की तरफ, बाहर की तरफ एक डिजाइन किया है इसने। देखिए गोल्डन कलर है, गोल्डन कलर के ऊपर वाइट से डिजाइन किया है। ये पहला दिया हो गया। दूसरा दिया, पूरे दिए को पहले इसने नीले कलर से कलर किया है, उसके बाद गोल्डन और रेड का बिंदु बिंदु करके अंदर से लेकर बाहर तक। ये दूसरा दिया है। तीसरा नंबर दिया, इसके अंदर वाइट कलर किया है, उसके बाद पिंक येलो ग्रीन रेड ब्लू एक डिजाइनिंग कर दिया है, जिससे इस दिए की खूबसूरती बढ़ चुकी है। चौथा नंबर दिया, रेड कलर किया है, उसके बाद फूल बनाया है गोल्डन कलर से, चारों तरफ डिजाइन किया गया है, पीछे की साइड येलो कलर और रेड से डिजाइन, और एक ये स्माइल। पांचवा नंबर दिया, जिसको अंदर से कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ चमकीला वाला कलर लगाया गया है, उसके बाद पीला कलर, हरा कलर, गुलाबी कलर से इसको एक डिजाइन कर दिया गया है। बाहर के साइड भी सेम वही है, एक स्टार टाइप पे बनाया गया है। तो ये है वो पांच दिए जो मेरी बिटिया ने तैयार किया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मैं आप लोगों को दिया, ये देखिए, कैसा दिया है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।